गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इंग्लिश की क्लास में हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 3 था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसके अंतर्गत हम आपकी स्टोरी नंबर 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट इसको समझ चुके हैं और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट्स अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। बच्चों, इस बार के जो क्वेश्चन और उसके आंसर रहेंगे वो लेंथी रहेंगे, तो आप ये ना सोचें कि बहुत शॉर्ट आंसर हमको करना है, आंसर्स आपके लेंदी रहेंगे, इसलिए आप सबसे पहले जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद उसके आंसर करें, तभी आपको उसके आंसर अच्छे से याद हो पाएंगे और आप समझ पाएंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जो यंग सीगल था, जो वो बर्ड थी सीगल, वो उड़ने के लिए डरा करती थी? क्यों डरी हुई थी? अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि आपको लगता है कि जितने भी ये यंग बर्ड्स रहती हैं, जब वो हैचिंग के बाद अपने उससे निकलती हैं और छोटे छोटे चूजे रहते हैं, तो वो क्या वो सब डरते हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान भरने में? या कुछ पक्षी ऐसे भी रहते हैं जो ज़्यादा टिमिड रहते हैं, ज़्यादा नाजुक रहते हैं दूसरों की तुलना में, वो ज़्यादा डरते हैं? क्या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो मनुष्य की संतान या ह्यूमन बेबी जो रहते हैं, वो जो बच्चे रहते हैं उनको भी अपना पहला कदम रखना एक चुनौती लगता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल जो था वो उड़ने के लिए इसलिए डर रहा था क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग। और ये हम सबको अच्छे से याद है कि जब हम कोई भी कार्य पहली बार करते रहते हैं तो वो कैसा होता है? चुनौतीपूर्ण होता है, हमको चैलेंजिंग होता है। देयरफोर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। इसलिए जितने भी यंग बर्ड्स हैं जो पहली बार उड़ना सीख रहे होते हैं, उड़ते हैं, उन सब क्या करते हैं? फर्स्ट फ्लाइट से, अपनी पहली उड़ान से डरते हैं। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी वुड ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। और इसी प्रकार से जो एक मानव का बच्चा रहता है, जो बच्चा, वो भी क्या होता है, अपना जब वो पहला कदम रखता है तो उसके लिए कैसा रहता है? बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आपको ने भी इस बात को अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी कार्य को कर पहली बार करने जा रहे होते हैं तो वो कैसा लगता है आपको? चैलेंजिंग लगता है और चुनौतीपूर्ण लगता है। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, द साइट ऑफ द फूड मैडेंट हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेयर द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? क्या पूछा कि जो भोजन उस सीगल ने देखा, जो उसकी माँ के चोंच में दबी हुई उसने जो फिश देखी, उसको देख करके वो क्या हो गया था? पागल सा हो गया था। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि आखिर किस चीज ने उसको उड़ान भरने के लिए या अपनी फर्स्ट फ्लाइट करने के लिए मजबूर कर दिया? क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जब हम किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं तभी हम उस कार्य को करने लगते हैं। इसमें यह पूछ रहा कि इससे कैसे पता चल देगा कि वो किस चीज़ के कारण उसने अपनी पहली उड़ान भरी? आंसर देखें, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। जो यंग सीगल था वो सीगल पक्षी कैसा था? बहुत भूखा था। Its hunger only intensified when it saw its mother tearing a piece of fish. उसकी भूख और ज़्यादा कब बढ़ गई? जब उसने देखा कि उसकी जो माँ है, जो वो क्या कर रही है, एक फिश के टुकड़े को लेकर के उसको फाड़ रही। It cried to her, begging her to get some food. उसने चिल्लाना चालू किया, उसने अपनी माँ से क्या मांगा? खाने के लिए मांगा। When its mother come towards it, it screamed with joy and anticipation, but she stopped midway. लेकिन जब उसकी माँ उसके पास आई, वो बहुत खुशी से पागल हो गया, बहुत खुश हो गया
लेकिन उसके विरुद्ध क्या हुआ, उसकी माँ उसकी तरफ आते आते बीच रास्ते में ही रुक गई। इट वंडर्ड व्हाई शी नॉट कम नियरर, उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि वो माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही, क्योंकि माँ अगर बच्चा भूखा है तो माँ तो उसको खिलाए बिना नहीं रह सकती। नॉट बींग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर, इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स वीक, और इसलिए जबकि वो बहुत ज़्यादा भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था या उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, अपनी माँ की चोंच से वो फिश का टुकड़ा लेने के लिए डाइव किया, एक उछाल मारी। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर, और उसी समय जब वो बहुत एक भूखा था और उसने उड़ान भरने के लिए जैसे ही डाइव मारी, उसी समय उसकी जो भूख थी उसने उसके डर के ऊपर ओवरपावर्ड है ना अपना साम्राज्य जमा लिया, और इट वॉज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, और ये वो भूख का ही कारण था जिसके कारण उसको उसने उड़ने को मजबूर कर दिया, क्योंकि बाकी बर्ड्स ने उसको खाना देने के लिए मना कर दिया था। नेक्स्ट देखें बच्चों, देवर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डेट द सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। आप क्या कर रहे थे, वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, जितने सी बर्ड्स जो थे, जितने सीगल के उसके भाई बहन मम्मी पापा जो भी मदर फादर पेरेंट्स थे, वो सब क्या कर रहे थे, उसको बुला रहे थे तीव्र तीव्र आवाज़ कर करके, अपनी भाषा में चिल्ला चिल्ला के उसको बुला रहे थे। उसके माता पिता जो थे उसको क्या कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो किस प्रकार से प्यार से बुला फुसलाते ना, बहलाते फुसलाते बच्चे को कि उड़ो अब तुम उड़ो, क्यों कर रहे थे वो, कैसे कर रहे थे, आंसर देखें। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो उड़ने के लिए डरा हुआ था। इवन वेन इट सॉ इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग एंड पेरेंट्स हेल्पिंग एंड टीचिंग हिम देम, इट कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू फ्लाई, और जबकि उसके बहन उसके भाई उड़ रहे थे, उसी समय उसके मम्मी पापा भी जो क्या कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे उड़ने में, उनको शिक्षा दे रहे थे कि किस प्रकार उड़े, लेकिन इसके बाद भी वो इतनी साहस और हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो उड़ सके। दैट इज़ वाई इट्स पेरेंट्स वर कॉलिंग इट टू श्रीली एंड स्कॉल्डिंग इट, और इसलिए उसके जो मम्मी पापा थे वो उसको धमका रहे थे, उसको फुसला रहे थे और चिल्ला भी रहे थे। दे थ्रेटन्ड इट टू लेट इट स्टार्व ऑन इट्स लेज इफ इट डिड नॉट फ्लाई, बिकॉज दे वॉन्टेड इट टू लीव इट्स फियर बिहाइंड एंड लर्न टू फ्लाई। अब क्या कर रहे थे, इसलिए उसके माता पिता ने क्या किया, जब वो उड़ नहीं रहा था बच्चा, तो उसको बोला कि हम तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं देंगे, जब वो खाने को नहीं मिलेगा उसको भूख लगेगी तो क्या करेगा, किसी न किसी प्रकार से वो उड़ना सीखेगा। इस प्रकार से वो डर को उड़ने के ऊपर ज़्यादा मजबूत बना रहे थे कि इसका डर कम हो और बच्चा उड़ना सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आपके ऐसे प्रोजेक्ट वर्क हैं, क्योंकि मैंने आपको जो चैप्टर समझाए हैं उनके अंदर से ये क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे बच्चों, तो ये आपको एज ए प्रोजेक्ट वर्क आपको खुद से ढूंढ के करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्कैर्ड टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर और ग्रुप्स। क्या आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको डर लगा हो और आपके मम्मी पापा ने आपको प्रोत्साहित किया हो कि आप इस नए काम को करने के लिए करिए। जैसे हर बच्चा जब पहली बार फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं, तो उसके मदर फादर क्या करते हैं, उसको करेज करते हैं कि वो इस प्रकार से एनकरेज होकर के आगे बढ़े। तो ऐसी कोई घटना यदि आपके साथ हुई है तो आप उसको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं और आप अपने आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ फॉरगन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड, इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन एन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वॉज योर सक्सेस गारंटीड और वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेलियर। अब बोला कि जैसे कि ये एक उड़ान भरने वाला जो एक बर्ड का केस था, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हर लोग सीखते हैं इन चीज़ों को और आगे सक्सेस होते हैं। क्या तुम्हारे पास भी इस चीज़ का कोई आंसर है, क्या तुमको लगता है कि जब हम किसी चीज़ में कोशिश करेंगे तो सक्सेस मिलना ज़रूरी होता है, मतलब आप किसी भी कोशिश को करने के पहले उसका परिणाम जानना ज़्यादा चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं
हो सकता है हम फेलियर भी हो सकें। तो इस प्रकार का यदि कोई आपके अंदर डिस्कशन है तो वो भी आप नोटबुक में नोट करें बच्चों। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे।